जिला कोरंगी में अवाम की आंखों में धूल झोंकने का सिलसिला जारी। एक जानिब सख्त गर्मी में कोरंगी में मौजूद तनावर दरख्तों को काट दिया गया, तो दूसरी तरफ जिला कोरंगी में टाउन चेयरमैन की जानिब से नमूदो नुमाइश के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एक तरफ वो दरख्त जो कई सालों से मौजूद थे उन्हें काट कर नए छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए। लांडी कोरंगी के जो दरख्त तनावर काटे जा रहे हैं ना, सरासर गलत। क्यों? देखिए, अभी बारिश का मानसून का सीज़न है, चारों तरफ आप घूमें शाह फैसल हरियाली की जगह है, कितनी बारिश हो रही है। आप उधर चले जाएं, अपना सदर की तरफ चले जाएं, उधर कितनी बारिश है। लांडी कोरंगी बारिश क्यों नहीं? ये पीछे मेरे दरख्त देखिए, हमने खुद अपने हाथ से इसलिए लगाया, बारिश हो। पिछले दिनों गर्मी ऐसी थी कि सांस नहीं आ रही थी। दरख्त नहीं होंगे, सांस नहीं आएगी। दरख्तों से हम सांस ले रहे हैं, दरख्त ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त काटने से सरासर नुकसान, सबको नुकसान, हमारी सेहत, हमारे बच्चों की सेहत, इलाके में जो गर्दो गुबार है वो भी इन दरख्तों से, दरख्त अपनी तरफ सक करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। लेकिन ये दरख्त ना काटे जाए, इन दरख्त काटने से काफ़ी नुकसान है। और ये बड़े तनावर दरख्त जो एक अरसे से लगे हुए, अभी हमने देखे आप मेरे पीछे लगे होंगे छोटे छोटे दरख्त, ये हमने खुद लगाए गर्मी से बचने के लिए, बारिश होने के लिए। तो लिहाजा अल्तमास है कि ऐसा ना किया जाए। टाउन चेयरमैन ने जो दरख्त लगाए, जो शजरकारी की है, छोटे छोटे पौधे लगाए इन्होंने, दरख्त लगाए, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त तो ये काट के लेकर जा रहे हैं। आप ये देखें, हमारे यूसी के सामने से दो बड़े दरख्त थे जो पिछले 25 साल से हम लोग देख रहे थे, वो दरख्त काट के ले गए बिल्कुल इनके सामने। बल्कि फिर मैंने मालूमात करी, इसके बारे में इंक्वायरी करी, तो उन्होंने बताया कि भाई ये टाउन वालों ने कटवाएं। अच्छा, कैसे कटवाएं? वो पठान आता है वहाँ से, वो आके जो है इनको पैसे देता है, फिर ये लोग जो है ना वो काटने के लिए देते हैं, वो लकड़ियाँ भर के ले आते हैं। तो ये नुकसान है ना, सरासर नुकसान है। ये दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दरख्तों की मुहिम को बढ़ाया जाए, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब बर्दाश्त से बाहर है, हम लोग बहुत परेशान आ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए और उनकी हिफाजत भी की जाए साथ साथ। अवाम का मुतालबा है कि इस तरह की चीज़ों पर गौर करना चाहिए। दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ अवाम के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। महकमा जंगलात आकर दरख्तों को काट देता है, जिसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी अवाम के टैक्स के पैसों से चलती है, तो दूसरी तरफ टाउन चेयरमैन शजरकारी मुहिम का आगाज कर देते हैं, वो भी जिसमें अवाम का पैसा ही शामिल है।